हेलो किड्स, आज हम फर्स्ट क्लास की इंग्लिश की पोएम पढ़ेंगे, हे हैप्पी चाइल्ड। माय हाउस इज रेड, ए लिटिल हाउस, ए हैप्पी चाइल्ड एम आई। इसमें बच्चा बोलता है कि मेरा घर लाल रंग का और छोटा सा है, मैं एक खुश बच्चा हूँ। आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, आई हार्डली एवर क्राई। मैं खुश रहता हूँ, पूरा दिन खेलता हूँ और मैं कभी नहीं रोता। आई हैव ए ट्री, ए ग्रीन ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन। मेरे घर के पास में एक हरे रंग का पेड़ है जो मुझे सूरज की किरणों से बचाता है और छाया देता है। शेड मीन छाया, ग्रीन मीन हरा। एंड अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माय प्ले इज डन। जब मैं अपने सभी खेल खत्म कर लेता हूँ तो मैं अक्सर इसके नीचे बैठता हूँ। न्यू वर्ड्स करेंगे अब। कराई, कराई मीन होता है चिल्लाना, रोना। डे, दिन, क्या लिखेंगे हम डे का? दिन, रेड लाल और सन का सूरज लिखेंगे हम। लेट्स रीड। द सन शाइन्स इन द स्काई, सूरज आकाश में चमकता है। आई हैव ए रेड पेन, मेरे पास एक लाल रंग का पेन है। आई हैव ए रेड पेंसिल, मेरे पास एक लाल रंग की पेंसिल है। अब हम करेंगे रीड एंड मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर, ड्रॉ ए लाइन। जैसे आई एम ए बॉय, ये बॉय दे रखा है, इस बॉय के साथ मैच करेंगे इसको। ये गर्ल दे रखी है, आई एम ए गर्ल, इस गर्ल के साथ मैच करेंगे। फन विद कलर्स, फिल इन द बॉक्स विद द राइट कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ हैप्पी चाइल्ड हाउस, हैप्पी चाइल्ड के घर का कलर कैसा है? हम वो फिल करेंगे रेड। व्हाट इज द कलर ऑफ योर हाउस, आपके घर का कलर कैसा है? जैसे मैंने कर दिया ब्लू, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपके घर का कलर है। व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री, ट्री का कलर कैसा है? ग्रीन। व्हाट इज द कलर ऑफ द सन, सन का कलर कैसा है? येलो। लेट्स टॉक। इज देयर ए ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास कोई पेड़ उग रहा है? तो अभी ये इसके क्वेश्चन आंसर ऐसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यस देयर इज ए ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस, हाँ मेरे घर के पास में एक पेड़ उग रहा है। क्वेश्चन नंबर टू करेंगे इसका। टेल अस अबाउट द ट्री, उस ट्री के बारे में बताओ। इट इज ए बिग आर स्मॉल, यह बड़ा है या छोटा? इसका आंसर लिखेंगे इट इज ए बिग ट्री या फिर इट इज ए स्मॉल ट्री। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, डू यू लाइक द ट्री, क्या आपको ट्री पसंद है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री, उस ट्री का नाम बताओ जो आपको पसंद है। तो इसका हम आंसर लगाएंगे यस आई लाइक द ट्री, हाँ मुझे पेड़ पसंद है। इट इज ए मैंगो ट्री, इट इज ए नीम ट्री, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। नेक्स्ट करेंगे, लेट्स शेयर। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेज, सर्कल द वंस यू हैव सीन। यहाँ कई टाइप के घर दिए गए हैं, आपको इनके ऊपर सर्कल करना है जो जो आपने देख रखे हैं। यहाँ हट है, ये इग्लू है, ये फ्लैट और ये बंगलो, जो भी आपने देख रखा है उसके ऊपर सर्कल करो। ड्रॉ योर हाउस हियर एंड टॉक अबाउट इट, एक हाउस ड्रॉ करना है और उसके बारे में बताना है। जैसे मैंने ये कर दिया ऐसे ही आपको कुछ, कोई भी आपका घर है यहाँ ड्रॉ करना है। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हो? ड्रॉ करो और बताओ। व्हेन यू गेट ए न्यू ड्रेस, जब आपको नई ड्रेस मिलती है तो आप कैसे होते हो? हैप्पी। व्हेन यू गेट हर्ट, जब आपको कोई चोट लगती है तो कैसे होते हो? सैड। व्हेन यू शेयर योर थिंग्स, जब अपनी चीजों को शेयर करते हो अपनी फ्रेंड्स के साथ तो कैसा लगता है? हैप्पी। व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार होते हो तो कैसा लगता है? सैड। नेक्स्ट करेंगे, ड्रॉ लाइंस फ्रॉम द हाउस टू द पीपल हु लिव इन योर होम, आपके घर में जो जो मेंबर रहते हैं
वहाँ वो लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे ये आपका घर है, यहाँ पर आप बैठे हो, जो जो आपके फैमिली मेंबर रहते हैं ना, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी आपके घर में पीपल रहते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ट्रेस द नंबर्स ऑन द डॉटेड लाइन्स, डॉटेड लाइन्स को ट्रेस करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाउ मैनी पीपल लिव इन योर हाउस, आपके घर में कितने लोग रहते हैं। राइट हियर, जैसे मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। ये लिखना है राइट हियर, जितने लोग रहते हैं उतने पीपल लिव इन माई हाउस। नेक्स्ट करेंगे ज्वाइन द डॉटेड लाइन्स, ये लाइन दे रखी है इनको, डॉटेड इनको मिलाना है, ट्रेस करना है। लुक इन ए मिरर, वट डू यू सी, ड्रॉ योर फेस इन दिस सर्कल। एक मिरर के आगे खड़े हो जाओ और उसमें देखो, और आपका फेस जो दिखाई दे रहा है सर्कल में बनाओ, और ये ट्रेस करके लिखो, बी सी ओ ए, ये सभी ट्रेस करो और रीड करो, ए बी सी। नेक्स्ट करेंगे कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ ए कैट, ए काऊ, ए डॉग एंड ए शिप फ्रॉम ओल्ड बुक्स आर न्यूज़पेपर्स एंड पेस्ट देम बिलो। एक एक काऊ की फोटो लेनी है, एक डॉग की, शिप बेड की, किसी ओल्ड बुक से या न्यूज़पेपर से, और यहाँ पर पेस्ट करनी है। जैसे एक कैट के आगे कैट की, काऊ के आगे काऊ की पिक्चर, डॉग के आगे डॉग की, शिप के आगे शिप की। ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन्स एंड कंप्लीट द मंकीज टेल, यहाँ डॉटेड लाइनें दी हुई हैं, उनके उनको ट्रेस करके मंकी की पूंछ बनानी है। ऐसे नेक्स्ट करेंगे हम द फॉलोइंग, हाउ लॉस्ट देयर बेबीज, इनके बेबी खो गए हैं, इन एनिमल्स के ट्रेस अलोंग मेज यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड देम, वन हैज बीन डन फॉर यू, उनको उनके बेबीज को उनके पास पहुंचाना है। तो जैसे ये काऊ है, डॉग, कैट, और ये है डक, लायन, कंगारू, ये है बटरफ्लाई। काऊ का बेबी कहाँ है, काऊ का बेबी ये रहा, काऊ का बेबी इससे मिला दिया, और डॉग का बेबी इस डॉग के पास पहुंचा दिया, और कैट का बेबी कैट के पास पहुंचा देंगे, ऐसे बटरफ्लाई का बेबी ये कैटरपिलर, इस कैटरपिलर को बटरफ्लाई के पास पहुंचा देंगे, और ये किसका बेबी है, काऊ का बेबी, और लायन का बेबी यहाँ पहुंचा देंगे, और कंगेरू का बेबी इधर, और डक का बेबी इधर पहुंचा देंगे। बाय बच्चों।